चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान अपने वादे के पक्के हैं, ये बात एक बार फिर से बॉलीवुड में साबित कर दिया है। जी हाँ, सलमान खान ने डिस्ट्रीब्यूटर से वादा किया था कि अगर उनकी फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ नुकसान वापस कर देंगे। सलमान खान ने अपना वादा पूरा भी कर दिया और नुकसान का 50% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को लौटा भी दिया है। वादे के मुताबिक सलमान खान ने करीब 33 करोड़ रुपए लौटाए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की टीम के प्रमुख नरेंद्र, जिन्होंने ट्यूबलाइट को करीब 130 करोड़ रुपए में खरीदा था, उन्होंने इस संबंध में सलमान खान से मुलाकात भी की। सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के परिवार ने मिलकर यह फैसला किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर का 50% रकम वापसी लौटा देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के हित में जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। खबरों की माने तो पिछले सप्ताह सलमान खान के घर गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूटर की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में सलमान खान के अलावा पूरा परिवार भी मौजूद था। मीटिंग में सलमान खान के पिता सलीम खान ने माना कि उनके बेटी की फिल्म ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई है, इसलिए वो उसका भुगतान करेंगे। खैर, एक फिल्म के फ्लॉप होने से सलमान का स्टारडम और बैंक अकाउंट कम नहीं हो जाएगा। अभी सामने उनकी कई फिल्में आने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है। साथ ही साथ ट्यूबलाइट फिल्म से हुए नुकसान को भी वो एक साथ बटोर लेंगे। फिलहाल सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं। इसके बाद दबंग 3 और भरत जैसी फिल्में लंबी लाइन कतार में बनी हुई है।